ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ट्रैकर एंकलेट क्यों चर्चा में है? हाल ही में जम्मू और कश्मीर में एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक कैदी को बेल पर रिहा किया गया था, लेकिन इस बार उसके साथ एक नया तरीका अपनाया गया था। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS ट्रैकर एंकलेट का इस्तेमाल उसके पैर पर किया गया था जिसे उसके हर कदम पे नजर रख सकते थे। ये देश में पहली बार है जब किसी को इस तरह का GPS ट्रैकर लगा गया है जिसका इस्तेमाल कानूनी नियम का पालन करने के लिए किया गया। GPS ट्रैकर एंकलेट्स क्या है? GPS एंकलेट्स छोटे पहनने वेल डिवाइसेस होते हैं जो उन व्यक्तियों के पैर पर लगाए जाते हैं जो किसी भी कानूनी निगरानी में होते हैं, जैसे कि पैरोल, प्रोबेशन, घर पर बंदी या बेल पर होते हैं। ट्रैकर व्यक्ति के पैर या हाथ पर भी लगाया जा सकता है, इसलिए इन्हें GPS एंकलेट्स और GPS ब्रेसलेट्स भी कहा जाता है। ये एंकलेट्स टैम्पर प्रूफ होते हैं, अर्थात इन्हें हटाने या नुकसान करने की कोशिश होने पर तुरंत एक अलार्म हो जाता है। इनमें कई दिन तक चलने वाली बैटरी होती है जिसे पहनने वाला व्यक्ति खुद रिचार्ज कर सकता है। GPS एंकलेट्स का उपयोग न्यायालय या निगरानी करने वेल एजेंसी द्वारा लगाए गए कुछ भी शर्तें जैसे कि कर्फ्यूज, यात्रा पर पाबंदी या किसी भी तरह की पाबंदी को ठोस करने के लिए भी किया जा सकता है। ये चर्चा का विषय बनता है क्योंकि ये एक नया तरीका है कानूनी व्यवस्था में लोगों की गति को नियंत्रित करने का। वर्किंग प्रोसीजर। GPS एंकलेट्स GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमेशा पहनने वाले व्यक्ति का सही स्थान पता किया जा सके और कानूनी नियंत्रण और सुरक्षा एजेंसीज को उनके गति को रियल टाइम में मॉनिटर करने की अनुमति हो। GPS एंकलेट्स यूसेज ऑन प्रिजनर्स। GPS एंकलेट्स क्रिमिनल जस्टिस के खर्चे कम करते हैं, जेल की भीड़ को कम करते हैं और संसाई अपराधों पर केंद्रित संसाधन को बढ़ते हैं। ये समाज सुधार और पुनर्स्थापना में एक संतुलित भूमिका निभाते हैं, अपराध से रोक लगाते हैं, कानून का पालन करवाते हैं और परिवारों के साथ शिक्षा और सहायता के माध्यम से अपराधियों की कुशलता को बढ़वा देते हैं। लीगल पोजीशन ऑन द यूज ऑफ GPS एंकलेट्स ग्लोबली। कुछ देशों में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया, GPS ट्रैकर्स का इस्तेमाल बेल के लिए एक शर्त है। कंसर्न्स रिगार्डिंग GPS एंकलेट्स इन इंडिया। अधिकार एक्टिविस्ट के मुताबिक GPS से व्यक्तियों की पीठे लगाना उनके मूल अधिकारों में हस्तक्षेप है और अपराधियों की गौरव भावना को छूना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस में ये फैसला किया कि जीवन का अधिकार मानव गौरव का अधिकार भी इंक्लूड करता है। GPS एंकलेट्स का इस्तेमाल भारत में कुछ कानूनी और नैतिक मुद्दे उठा रहे हैं, खासकर इस कारण कि यहाँ उनके इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाले साफ और विशेष कानून और नियम नहीं है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS क्या है? GPS एक अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो किसी वास्तु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक USA की संपत्ति है और इस्तेमाल करने वालों को स्थिति, नेविगेशन और समय PNT के सुझाव प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल नागरिक और सेना के लिए होता है। नागरिक सेवा सभी इस्तेमाल करने वालों के लिए दुनिया भर में मुक्त रूप से उपलब्ध होती है। ये नागरिकों को व्यापार में मदद करने, यात्रा में मार्गदर्शन करने और विभिन्न उपायों में सुझाव देने की क्षमता प्रदान करता है। सेना सेवा USA और उसके मित्र सेनाओं के लिए उपलब्ध है, साथ ही साथ मंजूर सरकारी एजेंसीज के लिए भी। भारत में भी अपनी पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग PNT सेवाओं को पूरा करने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन ISRO ने एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली स्थापित की है जिसे नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन NAVICEE कहा जाता है। NAVICEE भारत की स्वतंत्रता और उसके स्ट्रैटेजिक अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों में एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। इसे भारत को स्वतंत्रता और सुरक्षा दृष्टि से अधिक स्थिरता मिलती है जबकि विदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स भी इस्तेमाल होते हैं। NAVICEE व्यापार, यात्रा और सरकारी उपायों में भी सहायक होता है और ये भारत को सैटेलाइट नेविगेशन की दुनिया में एक अहम स्थान प्रदान करता है। Now let's see if you can answer this UPSC Civil Services Examination previous year question. In which of the following areas can GPS technology be used? 1. Mobile phone operations. 2. Banking operations. 3. Controlling the power grids. Select the correct answer using the code given below. Correct answer is option D. So, दोस्तों, GPS एक ऐसा magic है जो हमारे हर step को track करता है, नेविगेशन को इजी बनाता है और हमारे बिजनेस और सिक्योरिटी को शेप करता है। दिस इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी बल्कि एक ग्लोबल बडी है जो हमारे साथ है चाहे कहीं भी जाओ। GPS एक वर्ल्ड वाइड यूटिलिटी है जिसकी हमें हमारे डेली लाइफ्स में जरूरत है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक कीजिए। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो मिस ना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। धन्यवाद।